सुनहरी ये धूप से ज्यादा चमक रही है सुनहरी ये आंखें देखो क्या तुम मेरा इस तरह इंतजार कर रही हो कि जिजिट को गले लगा लोगी सर्दी से बचने के लिए तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो क्या बात नाज़ले कोई भी नॉर्मल इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को एक बंदे को हक करते देखेगा तो क्या सोचेगा सॉरी हेलो हेलो क्या आप भी एक्टर्स में से हैं नहीं मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड को रोल प्ले कर रहे हैं सॉरी वैसे इस हालत में आप एक्टर हो भी नहीं सकते एक्सक्यूज मी माफ कीजिएगा मुझे गलत मत समझें इन्हें इस सीन में मसल्स वाला बंदा चाहिए ये आखिर है किस बारे में चॉकलेट का लड़की उस लड़के को किस करती है जिसने बहुत सारे मर्दों के बीच चॉकलेट पकड़ी होती है ऐसा कुछ है क्या वो उसे किस करती है हाँ बिल्कुल शायद ये एड ऐसे ही फिल्म हो मेरी गर्लफ्रेंड को कौन किस कर सकता है कोई मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों किस करेगा किस चीज का एड है ये रुकिए सर प्लीज क्या हुआ है छोड़ो मुझे अली मैं कैसी लग रही हूँ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही चलो हम चलेंगे तुम क्या कर रहे हो अली तुम पागल हो गए हो देखो इस सीन में तुम्हें एक अजनबी को किस करना होगा तो क्या हुआ कोई मसला नहीं है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा क्या सिले मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा समझी तुम बहुत हीरो बन रहे हो ये काम है काम Come on, मुझे इस काम की कोई परवाह नहीं आधे घंटे पहले तक वैसे ही तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं थी। जाने दो अली, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तो तुम किसी अजनबी को किस कर लोगी? अली मैं यहाँ शूटिंग के लिए आई हूँ। तुम इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। क्या तुम उसे किस कर लोगी? अगर जरूरी हुआ तो कर लूंगी क्या मसला है मसीरन, अगर आप जा नहीं रही तो हम मेकअप रूम में चले मैं आती हूँ सिलेंडर मत जाओ तुम देखते रहो मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ तुम फौरन यहाँ आ जाओ बहुत जरूरी काम है जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कोशिश करना तुम जल्दी यहाँ आओ यजिट ने मुझे पिटवाया नहीं था तो हालूक था क्या उनको ऐसा करने की क्या जरूरत है मेरे ख्याल से वो मेरी माँ को सजा देना चाहता है स्टूपिड मत बनो सवाश तुम्हें जो भी इल्म है मुझे बताओ मैं कुछ नहीं जानता मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है जो तुम्हारे हाथ में है इसमें क्या है सवाश जरूर कुछ अहम है जिसकी वजह से हमारी हालूक से लड़ाई हुई तो कुछ तो होगा इसमें तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हें पता है मैं तुम्हारी हेल्प करती हाँ तुम करती लेकिन इसमें हालूक मुलविस है मुझे ये नहीं पता कि इस टेप में है क्या कुछ खतरनाक भी हो सकता है इसलिए मैं तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता तुम भूल गए हो मैं वो लड़की हूँ जो तुम्हारे साथ इजमीर भागने को तैयार थी हलूक तो वहाँ पे भी था मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी हमने जो करना था वो हमने किया अब क्या बदल गया है ओके सॉरी थैंक्स
मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये टेप तुम्हारी माँ के सेफ में। और कहाँ होती नाज़ले? मेरा मतलब कि ये सब हलूक के बारे में ना, तुम इसे हलूक के ऑफिस में भी ढूंढ सकते थे। तुमने फिर मुझसे ही सब कुछ छुपाया और मुझे इस बात की समझ नहीं आई। क्या हो रहा है ये सब, बताओ मुझे सवाश। ओके नाज़ले, बस सब मुझे ये दे दो, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा, मुझे बहुत जल्दी है। सवाश, मुझे लगता है कि तुम किसी डेंजरस काम में फंस रहे हो और तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। मुझे बताओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। लेविट ने बताया मुझे ये सब कुछ, सारा कुछ उन्हीं से मालूम हुआ है मुझे। क्या तुम्हें ये सब लेविट ने बताया? बिल्कुल। तो ये सब एक गेम थी, घर वापस आना और इस तरह बिहेव करना, या अभी तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तुम इसे करने दे रहे हो? नासले, जब इंसान अकेला होता है तो उसे किसी की हेल्प की तो जरूरत होती है। तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम्हारी मदद नहीं करूंगी? तुम अकेले क्यों हो? अगर तुम्हारी मॉम के साथ कुछ बुरा हो गया तो? या अभी तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। नासले, इन लोगों ने तुम कोई काम नहीं करते क्या? जब से तुम्हें देखा तुमसे प्यार कर बैठा। देखो, मेरे बारे में ऐसा वैसा सोचना भी मत। मैं तुमसे मिलना चाहता था कि शायद हम दोस्त बन जाएं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आमिर। तुमसे मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे बचा नहीं आते। देखिए आबरू, सुनहरी तितलियां और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे। इन लोगों ने मुझे तकलीफ पहुंचाई और अब मैं उनको तकलीफ पहुंचा रहा हूं, जिसके लिए ये टेप बहुत जरूरी है। सब में मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, ये कोई खेल नहीं है नाज़ले, तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। गुड बाय। हेलो, बात सुनो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ, तुम बहुत बहादुर इंसान हो। क्या हुआ भाई? मैंने तो सुना है कि तुम अली की फियांसे को जल्द ही किस करने वाले हो और तुम बहुत मुस्कुराते हो, बड़े बहादुर हो तुम। क्या बहादुरी की गोलियां खाई हैं? अली, अली, हुआ क्या है, मुझे समझ नहीं आया। मुझे देखो, तुमने गलत सवाल पूछा है, असल सवाल ये है कि अली कौन है। वो गॉडफादर अली है। तुमने मर्तोग्लू के बारे में नहीं सुना? क्या ये एक होटल का नाम नहीं? हाँ देखो, तुम्हें होटल का तो पता है, मगर क्या तुम ये जानते हो कि उस होटल के नीचे कितनी लाशें दफन हैं? तुम आखिर हो कौन और ये क्या बात कर रहे हो? देखो सुनो, ये लोग मजाक बिल्कुल भी नहीं करते, उनको फर्क नहीं पड़ता अगर बात बाहर भी निकल जाए, वो बस तुम्हें मार डालेंगे, क्या समझे? ये लोग कौन है, ये हो क्या रहा है? किसी ने एक दफा गॉडफादर अली की फियांसे को आंख भर कर देखा था और उन्हें उसे रातों रात गायब कराने के लिए जेल जाना पड़ा।
क्या वो गॉडफादर अली है? वो इस किस्म का बंदा लगता तो नहीं। हमने अभी इससे बात की थी, तुम कौन हो? मैं उसका जेल के जमाने का साथी हूँ। जेल? मगर तुम तो अच्छे घर के लग रहे हो। हमारे हुलिये पर मत जाना, हम जलकर राख हो गए थे, समझे तुम मर्तोगलू के गॉडफादर अली की कहानी? देखो, ये तो जाहिर है कि तुम हमारी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेरी बात सुनो, और इससे पहले तुम किसी मसले में पड़ो, बेहतर है कि निकल जाओ यहां से। फजूल में मुसीबत में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, अपने पर यह जुल्म मत करो। खैर चलो, किसिंग वाला हिस्सा खत्म किया, मगर तुम किस किस्म के जुनूनी हो? मैं तो सिर्फ पैगाम पहुंचाने आया हूँ, मैंने जो तुम्हें बताना था बता दिया, मैं तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने उसे किस करने की कोशिश की तो अपना ख्याल रख लेना। वो तुम्हारे लिए बहुत जेलस हो जाता है। उससे बर्दाश्त नहीं होती है जेलसी, घुटन होता है मुझे ऐसी बातों से। मैं पुरसकून नहीं हूं। आई एम रेडी। मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे देखने दो, तुम तो खूबसूरत लग रही हो। हमारा एक्टर नजर नहीं आ रहा। मैंने हर जगह देख लिया मगर वो कहीं पर भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? अली। हाँ तो अब काम बंद करो, आप सब लोग जा सकते हो। तो क्या मैं कल आ जाऊँ? हाँ कल होगी, मगर अब हम दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ काम करेंगे। वो क्यों? अब मैं क्यों नहीं? तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत ही अच्छा। रिहर्सल भी बहुत अच्छी हुई थी। अली, उन्होंने शूटिंग कैंसिल कर दी है और अब वो मुझे नहीं ले रहे हैं। मैंने सुना और मुझे बहुत अफसोस हुआ, वैसे वो बंदा था बहुत हैंडसम। ये सब तुमने किया है ना? मैं क्या कर सकता हूँ एम्रे? तुम भी इधर आओ जरा, तुमने किया है ना ये? क्या कहा था तुमने उस आदमी को? हमने उसे ऐसी ऑफर दी जिसे वो ना ही नहीं कर सका, है ना गॉडफादर अली? तुम्हारा सत्यानाश हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया तुम लोगों ने। तुम क्या कर रहे हो? इधर आओ ड्रामे बाज हीरो। तुमने इसे इसलिए किया क्योंकि मैं उसको किस ना करूं, है ना? क्या मैं तुम्हें उसे किस करने देता बेवकूफ? ये काम है काम, तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए। मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म कर दिया, शुरू होने से पहले ही तबाह कर दिया तुमने। तुम किस करियर की बात कर रही हो बेवकूफ लड़की? एमरे कहाँ है? ये भाग गया है ना? तुम्हारी बारी भी आएगी एमरे, इधर आओ जरा तुम। रुको, घटिया कहीं का। Can you believe this? किसे पता उसने इस आदमी से क्या कहा, कैसे धमकाया उसको, जानवर कहीं का। वो तुम्हारे लिए बहुत जेलस हो जाता। उससे बर्दाश्त नहीं होती है जेलसी, घुटन होता है मुझे ऐसी बातों से। मैं पुरसकून नहीं हूँ।
काश मेरे पास कोई पपेट होता और मैं उसे पीट के अपना गुस्सा ठंडा कर लेती। तुम किस करियर की बात कर रही हो? पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई ख़त्म करनी चाहिए, करियर तो बाद में बन ही जाएगा, इतनी जल्दी मत करो। तुम उसकी हिमायत कर रही हो? हनी, मैं किसी की साइड नहीं लेती, मैं जो समझती हूँ वही कहती हूँ। मेरा मतलब ये कि अभी थोड़ा सा वक्त से पहले है। तुम्हारे साथ मसला क्या है? मतलब? ऐसा लग रहा है तुम रो रही हो लेकिन आंखें खुश हैं तुम्हारी। मैं नाराज हूँ, थोड़ी अपसेट भी। मुझे बताओ जरा, ये लड़के हमें इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? क्या कहा था तुमने उस आदमी को? नहीं नहीं, मैं उसकी कार जला डालती हूँ, तस्वीरें तो काफी ही नहीं है मेरे लिए। मेरा भी यही ख्याल है, इतनी जल्दी मत करो। कम इन। सेलिन, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? मुझे जाने दें, आप अकेले में बात करें। देखो, जो मैं कहने लगी हूँ ये मुश्किल बात है, मगर तुमने सुकून से और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुननी है। जो मैं कहने लगी हूँ ये तुम्हारे लिए तो मुश्किल है, मगर मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। क्या हो रहा है आखिर? किस बारे में आपने बात करनी है? जफर के बारे में है। कैसा रहा फिर? कैसा रहा? अच्छा, मेरी माँ तो मुझे देख के कुदरती तौर पे खुश हुई होगी। ग्रेट, तुम कुछ ठंडा या गर्म पियोगे? नहीं, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। ओके, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई अच्छी खबर है? मतलब है कि उनकी एक बेटी और है और आप उसकी मदद करना चाहती हैं? इस लड़की ने फंसा लिया तुम्हें, वो शैतान है, सुन लो। अगर वो शैतान है तो मैं भी जहन्नुम का दरोगा हूँ, मैं सबक सिखा दूंगा उसे। हाँ सेलिन, क्या ये कोई मजाक है? और नाज़ली उसके लिए एक वॉलंटियर कर रही है। नाज़ली ने खुद वॉलंटियर किया है। सेलिन, मुझे बताओ मैं एक मासूम बच्चे को क्यों सजा दूं जफर की हरकतों की? मैं टिकट खरीद चुकी हूँ, हम दो दिन बाद जर्मनी जाएंगे, ओके? उन्होंने आपके साथ इतना जुल्म किया और आप ये बदला दे रही हैं? ये उसके बारे में नहीं है। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है मॉम, कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ सुभाष, बोलो। वो नहीं कर सका। तुम इसे कर नहीं सके या ढूंढ नहीं सके, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। आप जो भी चाहते हैं समझ लीजिए। खुदा हाफिज। रुको सवाज, मैं बात घुमाना फिराना नहीं चाहता ज्यादा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी साइड पे देखना चाहता हूं। मेरा ख्याल है आपको सिर्फ मेरी जरूरत है और कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी जरूरत है। जब तुम्हें यह बात क्लियर हो जाएगी तो मैं तुम्हारे सामने टेबल पे बैठा हूंगा, यहीं पे। को नहीं मना सका, अभी तक नहीं मना सका, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कर लूंगा उसे कायल। तुम कैसे इंतजाम करोगे? कैसे? मुझे पैरी की जरूरत है, नाज़ली की नहीं।
तुम्हारी बीवी तो टिकटें भी ले चुकी है, अगर पैरी ना आई तो डील कैंसिल। मेरे पास में जो है मैं कर रहा हूं मैं वो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझे? तुमने कंट्रोल खो दिया, तुम्हारे इख्तियार में अब कुछ नहीं रहा, तुम नाकाम हो रहे हो। शट अप। या तो पैरी आएगी या डील खत्म। मैं तुम्हें कह रहा हूं कितनी दफा मना किया है, धमकी मत दिया करो, मत दिया करो मुझे ये धमकियां, 24 घंटे ऑल फॉल बकते रहते हो तुम। अब वक्त नहीं रहा। चलो कल मिलते हैं आमने सामने। किस लिए? तुम कर जाओ, कहा ना कल मिलकर बात करेंगे हम दोनों, बात खत्म हो गई, अब फोन रखता हूं मैं। ओके, मैं वहां मौजूद हूंगा और मेरा मशवरा है कि जवाब हां में लेके आना। पागल इंसान ये, मरवाएगा मुझे। किस किस्म के बाप हो तुम? चले जाओ, नहीं तो इस दफा तुम पर तरस नहीं खाऊंगा। क्या कर लोगे तुम? देखिए सुनहरी तितलियां, सवाले इश्क और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के यूट्यूब चैनल पे।